हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की। अब आप सब लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ तो लेते हो एंड इसे बेस न्यूमेरिकल भी कर लेते हो, बट आपको साल भर तक यही कन्फ्यूजन रहता है कि मोल एक्चुअल में है क्या। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में मोल है क्या एंड मोल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आज आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो। नाउ सपोज दैट यू हैव गॉन टू अ शॉप एंड आप शॉपकीपर से जाके बोलते हो कि वो आपको एक पेयर ऑफ शूज दे दे। आप पेयर ऑफ शूज बोलते हो वहाँ पे, पेयर मीन्स टू शूज। एंड अभी मान लो आपको मार्केट जाके ऑरेंजेस लाने हैं, सो आप वहाँ पे जाके क्या कहोगे? अ डजन ऑफ ऑरेंजेस। सो अब यहाँ पे डजन का मतलब क्या है? डजन मीन्स 12, मीन्स 12 ऑरेंजेस। सो यहाँ पे डजन का मतलब क्या हो गया? एनी थिंग दैट इज 12 इन नंबर। आप डजन ऑफ एक्स कह सकते हो, आप डजन ऑफ एनी थिंग बोल सकते हो, आप डजन ऑफ स्टूडेंट्स कह दो, कोई भी यहाँ पे कह सकते हो। तो डजन का मतलब क्या है यहाँ पे? 12। अब ये तो हो गई वो चीज़ें जो मास में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम ऐसी चीज़ों की बात करें जो साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मीन्स थोड़ी सी क्वांटिटी में वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम वहाँ डजन्स एंड पेयर्स से काम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। सो वहाँ के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मोल। सो जिस तरह पेयर का मतलब था 2, डजन का मतलब था 12, सो मोल मीन्स 6.023 इंटू 10^23 ऑफ समथिंग। अब यहाँ समथिंग कुछ भी हो सकता है। आप मान लो यहाँ पे कह दो मोल ऑफ स्टूडेंट्स, सो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10^23। आप कह दो मोल ऑफ एक्स, सो वहाँ पे कितने एक्स हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10^23। अब मान लो आप वहाँ पे कह दो मोल ऑफ ऑरेंजेस, सो वहाँ पे कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10^23 ऑरेंजेस। सो आप किसी भी चीज़ के अगर एक मोल की बात करते हो, सो मोल मीन्स 6.023 इंटू 10^23 मीन्स, अगर आप कहो वन मोल एटम्स, सो वन मोल एटम्स मीन्स 6.023 इंटू 10^23 एटम्स। अगर आप बात करो मॉलिक्यूल्स की, सो वन मोल मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। सो गाइज, ये है मोल। अ मोल मीन्स नथिंग बट अ नंबर दैट इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10^23। जैसे पेयर होता है, जैसे डजन होता है, अब आप इन दोनों टर्म से फैमिलियर हो बिकॉज ये आप रोज की लाइफ में यूज़ करते हो। बट हम अगर बात करें केमिस्ट्री की, सो केमिस्ट्री में मोल इज़ अ वेरी फैमिलियर कॉन्सेप्ट एंड मोल का मतलब बस सिर्फ इतना होता है, मोल एक नंबर है, आप किसी भी चीज़ का मोल बोल सकते हो। बट केमिस्ट्री में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन मोल ऑफ एटम या फिर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे केमिस्ट्री में हम मोल को इस तरह डिफाइन करते हैं। अब ये मोल आया कहाँ से, चलिए इसके बारे में देखते हैं। वेल, इन द ईयर 1811 किसी के माइंड में आइडिया था दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड वो साइंटिस्ट थे लोरेंजो रोमानो अमेडिगो कार्लो एवोगाड्रो। अब ये एक ही साइंटिस्ट का नाम है, आई गेस वो अपना ऑटोग्राफ कैसे साइन करते होंगे उस टाइम पे। सो इन्होंने ही सबसे पहले ये आइडिया सबके सामने रखा था। अब उस टाइम पे बाकी साइंटिस्ट ने इनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये हाइपोथेटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब लेट 1860s में बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो उन्होंने वर्क किया था वो सही था एंड उनके सारे कैलकुलेशन सही थे। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1856। सो गाइज, ये थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने फाइंड किया था इस नंबर को। सो ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10^23, ये इन्हीं के नाम पे रख दिया गया एंड इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। सो जो एवोगैड्रोस नंबर होता है, इसे हम Na से भी डिनोट करते हैं एंड इसका वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10^23। अब ये नंबर क्वांटिटी में कितना बड़ा होता है आप ऐसे समझो, अगर मान लो आप वन मोल ऑफ बास्केटबॉल्स ले लो, मींस अगर आप 6.023 इंटू 10^23 नंबर ऑफ बास्केटबॉल्स ले लो, तो अगर आप उनको एक साथ रख दो, सो उनका जो साइज होगा वो हमारे प्लैनेट अर्थ के जितना हो जाएगा। मींस आप इतने सारे बास्केटबॉल से मिला के एक नया प्लैनेट अर्थ बना सकते हो। एंड सपोज बाय बर्थ अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर जितना मनी है एंड अगर आप पर सेकंड भी 10 लाख रुपीज खर्च कर रहे हो, पर सेकंड 10 लाख रुपीज, एंड ऑन एन एवरेज आप 100 ईयर्स पूरा जीते हो, तब भी एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपके पास 99.99% आपका मनी बिना खर्च हुआ बचा रहेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ये भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बता देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।